खुदा के हजूर बिला नागा दुआ, सुबह की दुआएं। खुदावंद खुदा ने हमें बहुत सी नेमतों, बरकतों और तोहफों से नवाजा है। इनमें से एक अजीम और अनोखा तोहफा सुबह का है। जब सूरज अपना सोना धरती पर बखेरता है तो हर चीज जागने लगती है और हरकत करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि इनमें जिंदगी की लहर फिर से दौड़ना शुरू कर देती है। फिर कायनात की हर आला और अदना शय खुदा की हम्द तारीफ में मशगूल हो जाती है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारे अबाउजदाद भी सुबह सवेरे उठकर खुदा से दुआ किया करते थे। आज जबकि हम पर नई फजर तुलू होती है, हमारा खुदा और हमारी कलीसिया हमें दावत देते हैं कि हम भी हर तरह की सुस्ती और काहली को छोड़कर दुआ करें और मसीही ईमान और मसीही ज़िंदगी में सरगर्म हो जाएं। ये सच है कि हर कोई अपने मारूजी हालात, अपनी बातनी कैफियत और अपनी समझ बूझ के मुताबिक ज़ाती और निजी दुआ कर सकता है, लेकिन हमारी कैथलिक कलीसिया ने हमारी मदद और रहनुमाई के लिए हमें सुबह के औकात के लिए चंद नमाजें और दुआएं वर्षा के तौर पर अता की हैं। आइए हम इन दुआओं और नमाजों को नहायत जोश और जज्बा और ध्यान से अदा करें और यूं हर नई सहर के आगाज पर अपने सच्चे और प्यारे खालिक से मुलाकात करें। सुबह की दुआ। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। आए मेरे खुदा, मैं ईमान रखती हूँ कि तू यहाँ हाजिर और नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करती हूँ। तूने मुझे नीस से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूह कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करती हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हजूर पेश करती हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोजीना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सु। आय मुकदसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन।